तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है धार। धार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस जिले से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, तो इस जिले को बिल्कुल ध्यान से हम देखेंगे। इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सभी इंक्लूड किए हैं, और हमने जो ये जिलों की सीरीज शुरू की है, टोटल 52 जिले हैं, हम इसे कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी 10 डिवीज़न है हम उसको एक एक करके देखेंगे, और उसी सीरीज़ को एक एक संभाग के अंतर्गत जितने भी ज़िले हैं हम उन ज़िलों वाइज कंप्लीट करते जाएंगे, और पूरे 52 ज़िलों की सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धार, धार का पहले हम मैप देखेंगे, धार का लोकेशन। धार यहाँ पर दक्षिण पश्चिम जो स्थान, दक्षिण पश्चिम जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर स्थित है धार। और इसके साथ जो भी ज़िले लगते हैं वो खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन और इंदौर, ये धार के साथ इनकी सीमा लगती है। इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि एमपी के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है। एमपी के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। इसके एमपी के पश्चिम में यहाँ पर महाराष्ट्र, सॉरी दक्षिण में महाराष्ट्र, एंड यहाँ पर गुजरात, झाबुआ जो है गुजरात के साथ भी और राजस्थान के साथ, दोनों के साथ अपनी इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर यूपी, उत्तर प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये जो 5 स्टेट है, 5 राज्य हैं, इनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। आगे हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो भी धार के बारे में है। धार का सबसे पहले हम इतिहास देखेंगे। प्राचीन काल में धार शहर की स्थापना परमार राजा भोज ने की थी। 9वीं से 14वीं सदी में यह परमार राजपूतों के अधीन मालवा की राजधानी था। प्रसिद्ध राजा भोज के शासनकाल में यह अध्ययन का विशिष्ट केंद्र था, उन्होंने इसे अत्यधिक प्रसिद्धि दिलाई। 14वीं सदी में इसे मुगलों ने जीता। 1730 में यह मराठों के कब्जे में गया। इसके बाद 1742 में मराठा सामंत आनंदराव पवार द्वारा स्थापित धार रियासत की राजधानी बना। आगे इसका पॉइंट है, धार की लाट मस्जिद या मीनार मस्जिद जैन मंदिरों के खंडहर पर निर्मित है। इसके नाम की उत्पत्ति एक विध्वंसित लौह स्तंभ के आधार पर हुई थी। हम परमार वंश के बारे में देखेंगे। परमार वंश या पवार मध्यकालीन भारत का एक अग्निवंशी क्षत्रिय राजवंश था। इस राजवंश का अधिकार धार, मालवा, उज्जैनी, आबू पर्वत और सिंधु के निकट अमरकोट या आदि राज्यों तक था। लगभग संपूर्ण पश्चिमी भारत क्षेत्र में परमार वंश का साम्राज्य था। राजा भोज परमार या पवार वंश के 9वें राजा थे। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी से 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया। भोजशाला के बारे में देखेंगे। भोजशाला राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत अध्ययन का केंद्र तथा सरस्वती का मंदिर था। 20वीं सदी के आरंभिक दिनों से मध्य प्रदेश के धार में स्थित वर्तमान भोजशाला को विवादित कामिल मौला मस्जिद माना जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ से NH 347 गुजरता है और NH 59 यहाँ से गुजरता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं माही। माही नदी का जो उद्गम है वो धार जिले से ही होता है, इसलिए माही नदी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और चंबल नदी और नर्मदा नदी भी यहाँ की प्रमुख हैं। यहाँ जो पर्यटन स्थल है यहाँ के, रामपोल दरवाज़ा, जहांगीर गेट, तारापुर गेट, जहाज महल, हिंदोला महल, हुसैन शाह मकबरा, जामी मस्जिद, रूपमती मंडप, बाग गुफा, फड़के संग्रहालय, भोजशाला, लाट मस्जिद, जीरा बाग महल आदि, ये सभी इम्पॉर्टेंट स्थान है यहाँ के।
हम देख लेते हैं आगे आगे के पॉइंट्स। कुछ मुख्य स्थान हैं वो हैं यहाँ के, ये धार किला। धार किला की यहाँ पे इमेज भी बनाई हुई है। धार की 14वीं शताब्दी के आसपास सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने यह किला बनवाया था। ठीक है, धार किले का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने। धार के किले में खरबूजा महल है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है, खरबूजा महल कहाँ स्थित है? धार के किले में, जहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था। किले के पास बंदी छोड़ बाबा की दरगाह है, या हिंदू मुस्लिम और अफगान शैली में बना हुआ है। आगे का पॉइंट, अभी हमने भोजशाला देखा था, ये यहाँ पे भोजशाला की इमेज भी है। भोजशाला मूल रूप से एक मंदिर है जिसे राजा भोज ने बनवाया था, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना तो यह क्षेत्र उसके साम्राज्य में मिल गया। उसने इस मंदिर को मस्जिद में तब्दील करवा दिया। ठीक है, आगे का पॉइंट है, माँ बाग देवी की प्रतिमा भारत लाने के लिए लंदन की कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की है। नेक्स्ट पॉइंट है अमझेरा। अमझेरा एक गांव है। ठीक है, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण और चतुभरुंजता मंदिर वैष्णव संप्रदाय के लोकप्रिय मंदिर है। गांव के निकट ही ब्रह्मा कुंड और सूर्य कुंड नामक दो टैंक है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रह्मा कुंड और सूर्य कुंड कहाँ पर है? धार के अजमेरा गांव में। ठीक है, धार के अजमेरा गांव में ब्रह्मा कुंड और सूर्य कुंड, ये दोनों हैं। आगे के पॉइंट्स हैं, जोधपुर के राजा राम सिंह राठौर ने 18वीं 19वीं शताब्दी के बीच यहाँ एक किला भी बनवाया था। किले में इस काल के तीन शानदार महल भी बने हुए हैं। किले के रंग महल में बने भित्ति चित्रों से दरबारी जीवन की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कहा जाता है कि यहीं श्री कृष्ण ने कहाँ, अजमेरा गांव में रुक्मणी मंदिर, रुक्मणी का हरण किया था। यहाँ पूर्व उत्तर में अमका झमका का मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट इज, कानवन धार से 35 किलोमीटर दूर कर्ण ऋषि की पावन भूमि कानवन लेवर नया गांव फोर लेन पर है। यहाँ का माँ कालिका का मंदिर, नागेश्वर महादेव का मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, माँ संतोषी का मंदिर, चामुंडा का मंदिर, गांगी नदी व गांग माता का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 की क्रांति के दौरान धार के अमझरा की ओर से राव बख्तावर, जिन्हें क्रांति इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, उन्हें लालगढ़ किले के पास से पकड़कर 10 फरवरी 1858 में इंदौर छावनी में इन्हें फांसी दी गई थी। जो ये इम्पॉर्टेंट नाम है, राव बख्तावर। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, उनका डटकर सामना किया था। ये इस धार जिले से रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पे ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इन्हें फांसी कहाँ पर दी गई थी? इंदौर छावनी में इन्हें फांसी दी गई थी। आगे देख लेते हैं, सीमेंट के कारखाने, चूना पत्थर की उपलब्धता, ये सब कहाँ पर है? धार जिले में। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ का जो प्लेस है, मांडू। मांडू काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ। अभी कुछ ही टाइम पहले मध्य प्रदेश में मांडू फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए यहाँ पे और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। परकोटा मांडू को घेरे हुए 45 किलोमीटर लंबी दीवार है। परकोटा से मांडू में प्रवेश करने के लिए 12 दरवाजे लगे हैं। ठीक है, शाही महल जिसमें मुंज तालाब और कपूर तालाब है। ठीक है, कहाँ है मुंज तालाब और कपूर तालाब? शाही महल में। अभी अभी जो हमने ये 12 दरवाजे देखे थे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मांडू में दाखिल होने के लिए 12 दरवाजे हैं। मुख्य रास्ता दिल्ली दरवाज़ा कहलाता है, ध्यान रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है। मुख्य रास्ता क्या कहलाता है? दिल्ली दरवाज़ा। दूसरे दरवाजे राम गोपाल दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा और तारापुर दरवाज़ा कहलाता है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं जहाज महल। जहाज महल की इमेज यहाँ पर ही दिखी रही होगी आपको। जहाज महल का हम डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। जहाज नुमा आकार में इस महल को दो मानव निर्मित तालाबों के बीच बनाया गया था, ठीक है, इसलिए इसे जहाज महल कहते हैं। हिंडोला, हिंडोला की इमेज यहाँ पे दिख रही होगी, हिंडोला की डिटेल। गयासुद्दीन द्वारा निर्मित, ठीक है, हिंडोला महल का निर्माण किसने किया था? गयासुद्दीन द्वारा। हिंडोला महल में चंपा बावरी है। चंपा बावरी कहाँ है? हिंडोला महल में। और हिंडोला महल कहाँ पर है? धार जिले में, ठीक है। टेढ़ी दीवारों के कारण इस महल को हिंडोला महल कहा जाता है, ठीक है, इसे हिंडोला महल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की दीवारें जो हैं टेढ़ी है। होशंग शाह का मकबरा, होशंग शाह के मकबरे में क्या इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे ये होशंग शाह के मकबरे की इमेज, इनकी डिटेल हम देखेंगे। होशंग शाह गोरी मांडू का प्रथम इस्लामिक सुल्तान था। मांडू का प्रथम इस्लामिक सुल्तान होशंग शाह गोरी, ठीक है। जहाँ भी प्रथम अगर लग जाता है तो वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बन जाती है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके पिता का नाम दिलावर खान गौरी था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने मांडू का राज्यपाल नियुक्त किया था। मकबरे का निर्माण होशंग शाह गौरी ने शुरू किया था, जो महमूद खिलजी ने 1440 ईस्वी में पूर्ण किया। नेक्स्ट पॉइंट है रानी रूपमती महल। रानी रूपमती महल भी कहाँ पर है? मांडू में। और मांडू कहाँ है? धार में, ठीक है। ये यहाँ पे इमेज है। कहा जाता है रानी रूपमती हिंदू गायिका थी। रानी रूपमती पर मालवा के अफगान सुल्तान बाज बहादुर खान, मालवा के अफगान सुल्तान बाज बहादुर खान आकर्षित हो गए थे और रूपमती से विवाह कर लिया। रानी रूपमती नर्मदा दर्शन के उपरांत भोजन ग्रहण करती थी, इसलिए उन्होंने रानी रूपमती महल का निर्माण करवाया था। और इन सब पॉइंट्स के अलावा जो है यहाँ पर नहर झरोखा, बाज बहादुर महल, नीलकंठ महल, जामी मस्जिद, छप्पन महल म्यूजियम यहाँ के प्रमुख स्थान है। शुरुआत में अशरफी महल होशंग शाह द्वारा बनवाया गया था, परंतु तत्पश्चात इसे महमूद खिलजी ने इसका पुनः निर्माण करवाया। हर वर्ष मांडू में प्रशासन द्वारा मांडू उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। ये करंट में हुआ था इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। बाघ गुफाएं, यहाँ पर इमेज है बाघ गुफाओं की। 1818 में गुप्त गुफाओं का पता चला। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध मत से है, ठीक है। ये जो बाघ गुफाएं हैं इनका संबंध बौद्ध मत से है। यहाँ अनेक बौद्ध मठ और मंदिर देखे जा सकते हैं। अजंता और एलोरा गुफाओं की तर्ज पर ही बाघ गुफाएं बनी हुई हैं। बाघ गुफा के कारण ही यहाँ बसे गांव को बाघ गांव और यहाँ से बहने वाली नदी को बाघ नदी के नाम से जाना जाता है। बदनावर 11वीं और 12वीं शताब्दी का प्रमुख शिव मंदिर उदया मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पॉर्टेंट है सरदारपुर पक्षी अभ्यारण। सरदारपुर पक्षी अभ्यारण कहाँ है? यह धार जिले में, ठीक है। यह खरमोर, यहाँ सरदारपुर पक्षी अभ्यारण में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन खेड़ा, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है। मोहन खेड़ा क्या है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। इसकी स्थापना 1940 में सूर्य स्वर्जी महाराज द्वारा की गई थी। 16 फीट ऊंची आदिनाथ जी की मूर्ति यहाँ पर है। सोध सीकरी जिनालय, ठीक है, ये मोहन खेड़ा में है। और मोहन खेड़ा कहाँ पर है? धार जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है
पीथमपुर, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। पीथमपुर जो है, पीथमपुर को लेके हम अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई लोग कि ये तो इंदौर में है तो फिर धार में। इसमें कंफ्यूज होने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। इंदौर जो है संभाग है, संभाग के अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं, ठीक है। और पीथमपुर कहाँ है? धार में। इस चीज़ को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है ये। ऑटोमोबाइल की बड़ी कंपनियों के प्लांट्स हैं यहाँ। भारत का डेट्रॉइट भी पीथमपुर को ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट यही पीथमपुर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रैक निर्माणाधीन, अंडर कंस्ट्रक्शन है। मध्य प्रदेश का पहला सेज यूनिकॉम द्वारा यहीं पे स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे मालवा की रानी के रूप में वर्णित धार महलों, मंदिरों, महाविद्यालयों, रंगशाला और बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। लाल बाग परिसर स्थित विक्रम ज्ञान मंदिर में भोज शोध संस्थान है, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु है जो मेन धार से रिलेटेड है, ठीक है। इसे हम देखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? धार जिले का मुख्यालय धार में है। प्राचीन काल में परमार वंश की राजधानी रही है। सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला धार है। मालवा शासकों ने मांडू को सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद का शहर कहा। तो क्या सिटी ऑफ जॉय किस सिटी को कहा जाता है? याद रखेंगे, धार को। क्षेत्रफल में 8153 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है यहाँ की 21,85,000। जनघनत्व 268, लिंगानुपात 968, यानी कि 1,000 पुरुषों पर 968 यहाँ पे महिलाएं हैं, ठीक है। यहाँ की तहसील 9 है। 9 तहसीलें मनावर, बदनावर, दही, सरदारपुर, दरमापुरी, गंदवानी, कुटी और पीथमपुर, ये यहाँ की 9 तहसीलें हैं। विकासखंड 13, सबसे ज़्यादा जो है विकासखंड वाला ज़िला वो धार है। धार जिला 3 भौगोलिक खंडों में फैला हुआ है, जो क्रमशः उत्तर में मालवा विंध्याचल रेंज मध्य क्षेत्र में है, दक्षिण में नर्मदा घाटी। हालांकि घाटी पुनः दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों द्वारा बंद होती है। और जो धार जिला है ये सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला है। राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म उद्यान यहीं पर है। 2010 खेड़ा मध्य प्रदेश का पहला भूसी आधारित ऊर्जा, पूर्व नाम धारा नगरी था इसका, पहले पुराना नाम क्या था? धारा नगरी। और धारा जो जिला है इसे परमारों द्वारा बसाया गया था। परमार राजा मूंज ने मूंज सागर और मांडू की स्थापना की। राजा भोज ने धर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। भोजशाला कहलाई। इसमें वक्र देवी माता सरस्वती की प्रतिमा है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है फड़के स्टूडियो, इम्पॉर्टेंट है। श्री रघुनाथ फड़के ने 1933 में एक प्रसिद्ध स्टूडियो की स्थापना की। उन्हें तत्व चिंतन पर पद्मश्री दी गई। आगे पॉइंट है धर का प्रसिद्ध किला राजा भोज द्वारा निर्मित है। कालिका माता मंदिर, लाल मस्जिद, जैन तीर्थ, मनु, तुंगगिरी, नित्यानंद आश्रम, ये यहाँ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बंदी छोड़ बदरगाह, मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती की दरगाह, विजय मंदिर, बड़ा गणपति, पुरातात्विक संग्रहालय, ये सब धार जिले में। धार जिले से समुद्री डायनासोर के जीवाश्म 2006-07 में मिले थे। धार को रेलवे ट्रैक पर लाने की घोषणा 2008 में की गई थी। ज्ञानदूत परियोजना 1997 में स्टार्ट हुई थी। भारत का प्रथम एलिवेज प्रोजेक्ट भी यहीं स्टार्ट किया गया था। कृषि अन्य अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध है, यानी कि कृषि से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ का पोर्टल है, उस पर सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। चारा बनाने का संयंत्र यहीं, धार जनजातीय सांस्कृतिक म्यूजियम। इसे सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हर पॉइंट को बिल्कुल
ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई भी पॉइंट स्किप करने जैसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन।